आपने स्वामी जी जब ये बात करी, क्योंकि हम एक इंडिया इकोनॉमिक समिट कर रहे हैं, आप जब विदेश जाएं तो बहुत से लोग हैं जो वहाँ पतंजलि का इस्तेमाल अब विदेशों में करते हैं और देश में इसकी चर्चा है, तो जो यहाँ के भारत से बनी, भारत में उपजी इन चीज़ों को जब विदेशों में जब इसका इस्तेमाल होता है, तो आपको लगता है कि वो असल में विकसित भारत है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया की डिमांड बाहर? ये देखो एक सोच है और ये देश में हमें सोच खड़ी करनी होगी। ये जुनून, कोई भी काम दुनिया में जुनून से होता है, उस जुनून के पीछे फिर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, बैकएंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा वो सब होना चाहिए, लेकिन जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम से कोई काम होते हैं। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया एक छोटे से देश का? सही बात। ह्युंडई छोटे सा, एक साउथ कोरिया में खुद गया हूँ, एक छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी कितनी दरिद्रता का हालात थी, वहाँ से सैमसंग इतना बड़ा कैसे ब्रांड बन गया, ह्युंडई इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। चलो तो अमेरिका है, वहाँ तो महासागर है, छोटे छोटे देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हम देखते हैं। जब कोलगेट एक वर्ल्ड ब्रांड हो सकता है जिसमें केवल और केवल केमिकल्स हैं, तो दंत कांति वर्ल्ड ब्रांड क्यों नहीं हो सकता है? सही बात, ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे तो सैकड़ों, एलन मस्क को लोग बोलते हैं, अब तो ट्रंप के साथ में एक बड़ी जोरदार गठजोड़ हो गया है, और एक ही दिन में 250 लाख करोड़ रुपये उसका मार्केट कैप भी बढ़ गया, और भी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। लोग कहते हैं एलन मस्क को इतना ये कर दिया, इतनी टेक्नोलॉजी लिया है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वी विल प्रोवाइड हेल्थ फॉर वर्ल्ड, ये हमारे पास में ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अनुसंधान है, हम पूरी दुनिया को मधुमेह से मुक्त करेंगे, हम पूरी दुनिया को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, कैंसर से बचाएंगे। कौन बचाएगा? हमारे पास में वो पूर्वजों की विरासत है जिससे हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, शांति भी देंगे, और युद्ध से नहीं, दुनिया बुद्ध से और शुद्ध होकर के योग से चलेगी, ये देंगे हम, ये है भारत की सॉफ्ट पावर। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हमेशा कुंठाओं में जीते रहते हैं और दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक काम तो ये ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी देश से, अरे दूसरे बढ़ रहे हैं आप बढ़ने दो ना, अरे अच्छा होगा ना, और ईर्ष्या के साथ साथ हमें कुंठाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो सुबह उठ करके रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे पड़ोसियों को सदा सुखी रखियो, क्योंकि वो दुखी रहेंगे तो और मुझे सताएंगे। भगवान मेरे देशवासियों को सुखी रखियो, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है ना वो अपने जो अड़ोस पड़ोस वाले ना वो सबसे ज्यादा आपको दुखी रखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो प्रार्थना यहाँ से शुरू होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः।